मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर 9 है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.3 पूरा ही सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कैरी आउट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। इसका पहला पार्ट ये 4p कॉमा करके है q प्लस आर। यहाँ पे दो एक्सप्रेशंस है, एक है 4p और दूसरा है q प्लस आर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा दे। तो यदि आप ऐसा करते हो तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि इस तरह से लिखने से ऐसा लगता है कि 4p को सिर्फ q से मल्टीप्लाई करना है और उसमें से r प्लस कर दिया, जबकि इसका मतलब ये होना चाहिए कि 4p को q से भी मल्टीप्लाई करना है और r से भी मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे ये गलत हो गया। आपको करना क्या है, 4p इंटू q प्लस r को ब्रैकेट में लिख लो। तो इससे पता चलता है कि इस 4p से q को भी मल्टीप्लाई करना है और ये प्लस r को भी। तो ये तो हो गया स्टार्टिंग का प्रिपरेशन। अब हमें मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं वो तरीका आना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन का रूल हमने एक्सरसाइज 9.2 में बताया था। यदि 9.2 एक्सरसाइज आपने सॉल्व कर रखा है तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और नहीं कर रखा है तो एक एक करके मैं रूल यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ। तो मल्टीप्लीकेशन का पहला रूल है कि नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा है कि लेटर्स सेम टाइप के हो तो पावर्स को जोड़ेंगे, और तीसरा लेटर डिफरेंट टाइप के हो तो उन लेटर्स को ऐसे ही बगल में लिख देंगे, उसका पावर नहीं जुड़ेगा। तो ये रूल्स रिवाइज करने के बाद अब हम देखते हैं कि हमें करना क्या है। हमें है 4p से q को मल्टीप्लाई करना, तो इसका मतलब इस तरह से है कि 4p और q को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो, 4 नंबर है, q के पास में कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे एक माना जाएगा कि यहाँ पे एक है। तो 4 और 1 को मल्टीप्लाई करो, जैसे पहला रूल को हम फॉलो कर रहे हैं, नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4। और लेटर सेम टाइप का हो तो पावर को जोड़ेंगे। तो हमें देखें कि लेटर हमारे पास एक तो P है एक Q है, तो सेम टाइप का तो है नहीं। तो हम तीसरा कंडीशन देखें, लेटर यदि डिफरेंट टाइप का हो तो क्या करते हैं, उन लेटर्स को साइड में लिख देते हैं। तो यहाँ पर लेटर निकल गया अलग अलग टाइप का, एक P है एक Q है, दोनों ही P रहता तो सेम टाइप का होता, दोनों ही Q रहता तो भी सेम टाइप का होता, लेकिन ये P और Q अलग अलग होने से हमें ये तीसरी बात यहाँ पे फॉलो करना होगा, उसको पालन करना होगा। तो इस तरह से ये 4PQ रह गया, ये 4PQ हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद यहाँ 4P के पास प्लस का साइन है और R से पहले भी प्लस है, तो प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस। अब 4p को r से मल्टीप्लाई करना है तो उसको भी हम एक बार देखें कि उसको कैसे करेंगे। तो 4p और r को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर्स को पहले हम पता करें कि कहाँ कहाँ है। तो नंबर तो एक यहाँ पे 4 है एक 1 है, तो इस तरह से 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो गया। और लेटर्स अलग अलग है, p और r दोनों सेम टाइप का नहीं है, इसलिए ये दोनों ही लेटर्स 4 के बाद हम साइड में लिख देंगे। तो इस तरह से यहां हो जाएगा 4PR, और यही हमारा आंसर हो गया। अब इसके सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे है AB, A-B, इसका मतलब है कि AB को मल्टीप्लाई करो A-B से। तो बीच में इंटू का साइन लगाएंगे, वो तो ठीक है इंटू का साइन लगा दिया, लेकिन ऐसे लिखने से हमें समझ ऐसा आता है कि ये AB को A से तो मल्टीप्लाई कर रखा है लेकिन B को मल्टीप्लाई नहीं किया, इसलिए ये जो तरीका है वो गलत है। सही तरीका ये होना चाहिए कि A-B को ब्रैकेट में बंद करके रखें। अब AB को A से मल्टीप्लाई करना है और फिर बाद में -B से भी मल्टीप्लाई करना है। तो AB को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा वो हम इधर रफ में कर लेते हैं। AB को A से मल्टीप्लाई किया तो
तरीका यह है मल्टीप्लाई करने का कि नंबर को मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे तो नंबर दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब यहाँ पे दोनों जगह वन है, तो वन लिखने की जरूरत नहीं है। अब लेटर की बात करें, देखो इसमें ए बी है और नीचे ए है, तो ए और ए मतलब ऊपर का ए और नीचे का ए सेम टाइप का है, तो इसलिए इनके पावर्स ऐड हो जाएगा, इनको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे ए के पावर एक है और यहाँ पे भी ए का पावर एक है, तो इसलिए ए के पावर दो हो जाएगा, और बी अकेला है तो ए के पावर टू के बगल में बी लिख देंगे। इसका मतलब ये हो गया ए स्क्वायर बी। जब पावर टू रहता है उसको ए के पावर टू बोलो या ए स्क्वायर बोलो। तो इस तरह से ए बी को ए से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ए स्क्वायर बी मिला, और वो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर बी। अब रह गया प्लस और माइनस का साइन। बी से पहले माइनस है और यहाँ पे शुरू में प्लस है, तो इस प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस देगा, तो पहले माइनस लिखें। और ए बी को बी से मल्टीप्लाई करना है, तो एक बार रफ में मैं दिखा देता हूँ कि इसका आंसर कितना आएगा। जब ए बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूल तो यही से ही सोचेंगे कि नंबर्स है तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे नंबर है नहीं तो ये वन वन है तो वन आएगा, उस वन को लिखने की जरूरत नहीं है। अब ए है अकेला तो ए अकेला ही रह जाएगा, और बी है दो बार तो दोनों को पावर एक एक है, उनको जोड़ेंगे तो पावर हो जाएगा टू। तो इस तरह से ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम ए बी का स्क्वायर लिख दें और यही हमारा आंसर हो गया। इसका थर्ड पार्ट देखें, थर्ड में है ए प्लस बी कॉमा करके हैं सेवन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो पहले जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी इंटू कर देंगे सेवन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और मैं दोनों पार्ट में पहले बताया था कि ये तरीका ठीक नहीं है। जब बाइनोमियल मतलब जबकि बीच में प्लस का साइन और दो टर्म्स हो तो ऐसे केस को आप ब्रैकेट में बंद कर दो पहले। तो इस तरह से ये ऐसा लिखना नहीं है, आप ब्रैकेट में बंद करके रखो ए प्लस बी को। अब ए से सेवन ए स्क्वायर बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है, चाहे सेवन ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद फिर से ये सेवन ए स्क्वायर बी स्क्वायर को बी से मल्टीप्लाई करना है, जैसे भी आप समझो। तो एक बार हम रफ में सेवन ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना होता है। तो नंबर सेवन और यहाँ पे वन, तो सेवन इंटू वन सेवन हो गया, तो पहले सेवन लिख दें और ए स्क्वायर और ए को मल्टीप्लाई करें, तो ये दोनों सेम टाइप का है इसलिए पावर को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे टू है और यहाँ पे वन है, तो ए का थ्री हो जाएगा और बी का कोई दूसरा लाइक लेटर्स नहीं है तो इसलिए वो ऐसे ही रह जाएगा। इसका मतलब ये हो गया सेवन ए क्यूब और बी स्क्वायर। पावर जब तीन होता है तो उसको क्यूब भी बोलते हैं, और सेवन ए क्यूब बी स्क्वायर यहाँ पे लिखें। अब बात है कि बी से मल्टीप्लाई करना होगा इसको सेवन ए स्क्वायर बी स्क्वायर को, तो वो भी एक बार रफ में हम कर देते हैं यहाँ। तो पहले मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर आएगा सेवन ए स्क्वायर बी क्यूब। कैसे आया कि सेवन और यहाँ का वन, सेवन दे दिया, ए स्क्वायर और दूसरा कोई है नहीं तो ए स्क्वायर ऐसे ही रहा, और ये बी स्क्वायर और बी, यहाँ पे बी के पावर दो है यहाँ पे वन है, उसको एक ही टाइप का लेटर होने से पावर उसको ऐड कर दिया, तो ये हो गया सेवन ए स्क्वायर बी क्यूब, और यहाँ पे लिखे उसको। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। अब है पार्ट फोर। पार्ट फोर में है ए स्क्वायर माइनस नाइन और फोर ए। तो अब इस तरीके से नहीं लिखना है, वो आपको समझ में आ गया, हमने यहाँ पे उसको ब्रैकेट में बंद कर दिया है, और ए स्क्वायर को अब हम 4a से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन बहुत देर से सीख रहे हैं तो अब समझ में आ गया होगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और ए स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब। तो इस तरह से 4a क्यूब यहाँ पे लिखें, और यहाँ पे माइनस है 9 के सामने में और 4a के सामने में कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस है, तो माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और 9 इंटू 4, 9 को 4a से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे देखो ऊपर में 9 है नीचे में 4 है, तो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 बनेगा, और लेटर सिर्फ a है, 9 के साथ कोई लेटर ही नहीं है, तो जब दूसरा लेटर नहीं है तो जो भी लेटर है उसको हम नंबर के बाद में लिख देंगे। तो इस तरह से ये 36a हो गया, और यहाँ पे हम 36a लिख दें, ये हमारा आंसर आ गया। वन का एक और पार्ट है फिफ्थ, उसमें है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी और कॉमा करके जीरो है, इसका मतलब जीरो से इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इस सब को एक ब्रैकेट में बंद कर दे और इनटू जीरो लिख दे,
तो आप एक बात याद रखना कि जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें, चाहे किसी भी लेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो ही देगा। मतलब जीरो से किसी भी लेटर या नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो करेगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट में तीन है, वो तीनों एक ही बार में जीरो हो गया। तो इस तरह से जीरो इसका आंसर बन गया। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर टू। ये है कंप्लीट द टेबल। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है और इसको कंप्लीट करना है। एक दो तीन चार करके टोटल पांच क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट एक्सप्रेशन है, सेकंड एक्सप्रेशन है और प्रोडक्ट है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन और सेकंड एक्सप्रेशन तो पहले से ही गिवन है। इस तरह से पांचों का फर्स्ट एक्सप्रेशन और ये सेकंड एक्सप्रेशन हमने लिख लिया। अब फर्स्ट एक्सप्रेशन और सेकंड एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे प्रोडक्ट में लिखना है। तो ए को बी प्लस सी प्लस डी से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब ए को बी से भी मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे और फिर ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह का बात अपने दिमाग में रखो। तो हम मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। उसमें से ए को बी से मल्टीप्लाई कर दे तो ए बी बन गया। अब यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे भी प्लस का साइन है। मतलब इस क्वेश्चन में तो माइनस का साइन है ही नहीं, तो हर एक जगह प्लस का ही साइन लगेगा। माइनस का साइन रहने से कोई दिक्कत होती है थोड़ी सी। तो प्लस का साइन लगाएं। अब है ए और सी को मल्टीप्लाई करना। तो लेटर अलग अलग टाइप का है, पावर्स का कोई मतलब ही नहीं होता जोड़ना। यहाँ पे दोनों लेटर्स को हम साइड में लिख देंगे। अब रह गया ए को डी से मल्टीप्लाई करना। तो प्लस का साइन पहले लगा दे और ए डी हो गया। इस तरह से ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब है x प्लस वाई माइनस फाइव मल्टीप्लाई करना है 5xy से। तो x को 5xy से मल्टीप्लाई करें तो नंबर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। तो सिर्फ 5 रहेगा नंबर में और x दोनों के पावर ऐड हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और y अकेला रह गया। तो इस तरह से ये हो गया 5x2y। अब प्लस y से 5xy को मल्टीप्लाई करना है तो प्लस का ही साइन आएगा और ये हो जाएगा 5xy2। y के पावर सिर्फ y में ऐड होगा, x के साथ उसका पावर ऐड नहीं होगा। ये बेसिक बात हमें पहले से पता है, आप लोगों ने सीख रखा है। तो अब माइनस फाइव को 5xy से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 5 का नंबर सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई होगा, उनके लेटर में कुछ नहीं है, उसका पावर्स नहीं कोई चेंज करेगा वो 5, सिर्फ 5 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का साइन पहले लगा दे और 25xy। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट में आते हैं। पी से इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो पी और 6p2 को मल्टीप्लाई करें। तो नंबर में चेंज नहीं आएगा कोई, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे पावर है पी का 2 और यहाँ पे 1, तो पी क्यूब हो गया। फिर माइनस का साइन लगा दे और नंबर यहाँ पे है ही नहीं, मतलब 1 है, इसका मतलब इस नंबर को कोई चेंज नहीं करेगा, सिर्फ 7 रहेगा और 7 के साथ भी पी है और पी से मल्टीप्लाई भी करना है तो पी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दे, क्योंकि पी प्लस में ही है पहले से ही। तो प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस रहेगा और पी को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5p हो गया। ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब चलते फोर्थ में। ये 4p2q2 को मल्टीप्लाई करना है p2-q2 से। तो इस 4p2q2 को पहले पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। देखे थे कितना बनता है, यहाँ पे नंबर 4 और यहाँ पे 1, तो 4 × 1 = 4 हो गया। और p का स्क्वायर है, इसका मतलब p के पावर 2 है और यहाँ पे भी p के पावर 2 है, तो ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगे तो p के पावर 4 हो गया। और q स्क्वायर, और इस p स्क्वायर में तो q है नहीं, तो इसलिए q स्क्वायर ऐसे ही लिखा जाएगा। अब बात रहेगी कि माइनस का साइन है q स्क्वायर के सामने और यहाँ पे प्लस है, तो ये माइनस का साइन लगा दो और 4p2 और q स्क्वायर को हम q स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर वैसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं। p स्क्वायर है, यहाँ पे q स्क्वायर में कोई p नहीं है तो पी स्क्वायर वैसे ही रहा। और q का पावर 2 यहाँ पे और यहाँ पे q की पावर 2, तो q की पावर 4 रह गया। इस तरह से 4p4 q स्क्वायर, फिर माइनस 4p2 और q की पावर 4, इस तरह से ये आंसर आ गया। अब a प्लस बी प्लस सी को ए बी सी से मल्टीप्लाई करना है। देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। पहले हम a से मल्टीप्लाई करें ए बी सी को, तो a का पावर सिर्फ a के साथ ही ऐड होगा और bc में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इस तरह से ये हो जाएगा a स्क्वायर bc। अब यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे भी प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन लगा दो। अब b से हम मल्टीप्लाई करेंगे abc को, तो जब b से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ b का ही पावर चेंज होगा, a और c का पावर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा ab स्क्वायर c।
अब प्लस का साइन है सी से पहले और यहाँ पे भी प्लस का साइन है, तो फिर से प्लस का साइन लगाएं। जब हम सी से ए बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ सी के पावर में चेंज आएगा, ए बी के पावर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा ए बी सी स्क्वायर। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बेसिक नॉलेज के लिए बहुत अच्छा पार्ट था ये, कंप्लीट द टेबल। सेकेंड क्वेश्चन हो गया, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। फाइंड द प्रोडक्ट, अब यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखा है। पहले पार्ट में a का स्क्वायर इनटू है 2a, उसमें पावर है 22, फिर इनटू है ब्रैकेट में है 4a के पावर 26। तो यहाँ पे एक बार रूल हम याद कर लें, रूल है मल्टीप्लिकेशन का कि नंबर्स हो तो मल्टीप्लाई करो, लेटर एक ही टाइप का है तो पावर को ऐड कर दो, और लेटर अलग अलग टाइप का है तो उन लेटर्स को ऐसे ही साइड में लिख दो। तो इनको याद करने के बाद यहाँ पे देखें कि नंबर्स कौन कौन सा है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। तो इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 2 8 हो गया, और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 ही रहेगा। अब बात आती है लेटर किस टाइप का है, मतलब सेम टाइप का है कि अलग टाइप का। तो सभी में ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, मतलब सेम टाइप का लेटर्स है। तो सेम टाइप का लेटर होने पे हमें पावर को ऐड करना होगा। तो पावर्स एक में है 2, एक में है 22 और एक में है 26। तो इन सबको ऐड करें, 2, 22 और 26 को ऐड करें। तो ऐड करना तो आता ही होगा सभी बच्चों को, तो 6 और 2 8 और 2 10, 10 का 0 लिखो कैरी आ गया 1, और 2 और 2 4 और कैरी वाला 1 मिलकर ये 5 हो गया। तो इस तरह से इन नंबर्स को ऐड करने के बाद हमें 50 मिला। तो यहाँ पे जो लेटर है वो तो पहले लिखेंगे और उसकी पावर जो हमारा यहाँ पे ऐड करने के बाद आया था ये आ गया 50। तो इस तरह से 8 इंटू ए के पावर 50 ये हमारा आंसर आ गया। इसका सेकेंड पार्ट है, ब्रैकेट के अंदर बंद है 2/3 एक्स वाई और इंटू है ये -9/10 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए बस वही तरीका है कि नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे नंबर्स है 2/3 और -9/10, तो इनको मल्टीप्लाई करें यहाँ। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करना होते याद रखो, यहाँ पे एलसीएम नहीं लेते, मल्टीप्लिकेशन में एलसीएम लेना नहीं होता, एलसीएम लेते हैं हम एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, पहले तो ये पता करें कि कोई नंबर कटने वाला है तो उसको काट दो, कटता है ऊपर नीचे और ऐसे क्रॉस करके, क्रॉस में भी कोई नंबर हो तो भी कटता है। पहले यहाँ पे देख ले कि कोई नंबर कटा कि नहीं, कटने वाला है भी कि नहीं। तो ये 3 नीचे का और ऊपर का 9 ये कटेगा, 9 को काट के 3 बचा हमें, और ये 2 ऊपर में और नीचे का 10 ये दोनों भी कटेगा, तो 2 से 10 कट गया तो रह गया 5। तो इस तरह से नंबर हमें बचा 3/5। तो नंबर को पहले लिख ले 3/5, और यहाँ पे प्लस का साइन है, 9 के साथ माइनस है इसलिए माइनस आ गया है। अब बात रह गई लेटर्स की, तो लेटर्स में एक तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और ये एक्स वाई है, इनको मल्टीप्लाई करें। तो लेटर्स के मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है उसको याद करो, प्रोसेस क्या है। लाइक लेटर्स हो, जैसे एक ही टाइप का लेटर हो तो उनके पावर को ऐड करो। तो एक्स स्क्वायर और नीचे का एक्स वो एक ही टाइप का है, मतलब दोनों ही एक्स है, तो उनके पावर को जोड़ दें, तो ये हो जाएगा एक्स के पावर 3। और वाई में क्या करें, वाई का भी ऊपर में पावर 2 है और नीचे में 1 है, तो ये भी 3 हो गया, तो ये हो गया एक्स क्यूब वाई क्यूब। और ये यहाँ पे नंबर के बगल में ये दोनों ही लेटर्स लिख दें और यही हमारा आंसर हो गया। इसका थर्ड पार्ट देखें, ये क्वेश्चन है -10/3 पी क्यू और उसका पावर 3 इंटू है 6/5 पी के पावर 3 और क्यू। तो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर ले, -10/3 इंटू 6/5, जो कटने वाला है काट देते हैं क्योंकि एलसीएम लेना नहीं होता है मल्टीप्लिकेशन में। तो ये 3 और 6 कट गया और 6 के बगल में 2 लिख देंगे, मतलब 3 2 6, और ये 5 से वो 10 भी कटेगा तो ये हो गया 5 2 10। तो ऊपर में नंबर है गया 2, फिर इधर भी है 2 और सामने में माइनस भी है, तो माइनस का साइन लगा रहेगा और 2 2 4, तो माइनस का 4 हो गया। अब बात रही लेटर्स की, तो लेटर्स में एक तो है पी क्यू के पावर 3 और इधर है पी के पावर 3 और क्यू, तो इनको मल्टीप्लाई करें। तो पी ऊपर में 1 है पावर और इधर है पी के पावर 3,
तो इनको ऐड करेंगे तो p की पावर 4 हो जाएगा, और क्यू में ऊपर में है 3 और नीचे में है 1, तो इनको भी पावर को ऐड करें तो ये 4 हो जाएगा। तो p की पावर 4 और q की पावर 4 ये हमारे पास बच गया, और यही हम नंबर के बगल में लिख देंगे और ये हमारा आंसर आ गया। अब है पार्ट 4, ये है एक ब्रैकेट में x, फिर इनटू का साइन है एक्स स्क्वायर है, इनटू का साइन है एक्स क्यूब है, इनटू का साइन है एक्स के पावर 4 है। तो मल्टीप्लिकेशन का सबसे पहला बात जो दिमाग में आता है कि कोई नंबर है तो उनको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हर एक जगह 1 है और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ही आएगा। नंबर कोई रहता तो आ जाता, नहीं तो 1 रह गया। वैसे वो ये 1 नहीं भी लिखते तो भी कोई बात नहीं थी। अब लेटर एक ही टाइप का है, सभी जगह एक्स है, तो उनके पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो नंबर छोटे छोटे वैसे ही ऐड कर लेंगे। देखो ये हो गया 4 और 3 7 और 2 9 और एक और उसमें जोड़ दिया तो 9 एक 10, तो x की पावर 10 हो गया। ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली x की पावर 10 हो गया, यही हमारा आंसर बन गया। अब है क्वेश्चन नंबर 4, इसके पहला पार्ट है सिंप्लीफाई। ये 3x ब्रैकेट के अंदर है 4x माइनस 5 और प्लस 3। इसके बाद है एंड फाइंड इट्स वैल्यूज फॉर, इसके पार्ट 1 में x इजकल टू 3 और सेकेंड पार्ट है x इजकल टू 1/2। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करें, उसके बाद हम x के जगह पे 3 रखेंगे, आंसर पता करेंगे, फिर अगले पार्ट में जा करके x की जगह पे 1/2 रखेंगे, फिर वैल्यू पता करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन लिखें, यह है 3x ब्रैकेट के अंदर है 4x माइनस 5 और प्लस 3। इसका मतलब इस 3x को 4x से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया 12x स्क्वायर, ये 4 3 जा 12 और x इंटू x एक्स स्क्वायर, बीच में है माइनस का साइन तो वो लिखिए माइनस का साइन, और 3x को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 15x, मतलब नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, लेटर लिख दिया। अब ये तो प्लस 3 बाहर में, इसको किसी से मल्टीप्लाई करना नहीं है, यदि ये भी ब्रैकेट के अंदर रहता तो उसको भी करते, लेकिन ये ब्रैकेट के बाहर है इसलिए ये प्लस 3 ऐसे ही रह जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट का आंसर, हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब ये जो वैल्यूज फाइंड करना है उसका पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं, तो उसमें है एक्स इजकल टू 3 रखना है, कहाँ पे, ये जो आंसर आया है 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3, उसमें x की जगह पे 3 रख करके सॉल्व करो। तो 12 लिख दिया हमने और x की जगह पे 3 लिख करके उस पर स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पे भी स्क्वायर था x का, यहाँ पे जो x का जगह था वो 3 ने ले लिया और उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस है 15 और x की जगह पे 3 लिख दिया, और लास्ट का जो प्लस 3 है वो हमने पीछे ऐसे ही लिख दिया। अब इसको सॉल्व करें तो 12 इंटू, अब देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और ये 15 इंटू 3 अभी बाद में सॉल्व कर लेंगे हम। अब यहाँ पे देखो 12 इंटू 9 कितना होता है, 12 का टेबल 9 जा कितना होता है 12 9 जा 108 और माइनस 15 3 जा 45 और ये प्लस का 3। अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया, इसमें आपको ये देखना है कि कौन कौन से नंबर ऐड होगा और किसको हम माइनस करेंगे, तो जिसके सामने में प्लस है वो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये 108 और 3, ये सिंपल ऐड है, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, तो ये हो गया 111 और माइनस का 45, ये 45 का सामने माइनस है इसलिए ये घटेगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो मिला था 111 उसमें से, तब 111 में से हम 45 को माइनस कर दें, ये 1 में से 5 घटेगा नहीं तो ये कैरी लेगा, तो कैरी लेने के बाद 1 कैरी आया और ये 11 हो गया, 11 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये 6 रह गया, और ये इसने 1 कैरी दे दिया था तो ये 0 हो गया, फिर इसके साथ ये कैरी लेगा ये, तो ये 1 है और 0, तो 10 बन गया, 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये हो गया 6, इस तरह से ये 66 हमारा आंसर बन गया। अब इसका सेकेंड पार्ट में है एक्स इजकल टू 1/2 रखना है, तो यहाँ पर लिखे पुटिंग एक्स इजकल टू 1/2 वी गेट, अब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में हमें x इजकल टू 1/2 रखना है, तो देखो ये 12 था पहले, 12 लिख दिया हमने और x की जगह पे 1/2 लिख करके उसका स्क्वायर लिख दिया, फिर माइनस का साइन लाया करके 15 है और x की जगह 1/2 है प्लस 3 है। अब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 12 और 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब 1 का भी स्क्वायर और 2 का भी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इस तरह से ये ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद, मतलब 1/2 का स्क्वायर लिखने के बाद हमें आया 1/4। अब यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस 15 और 1/2, अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ ही कर देंगे, लास्ट में जो प्लस 3 वो भी लिख लें। अब
ये 4 और ये 12 कट जाएगा, मतलब 4 3 जा होता है 12, तो 3 लिख दें और बाकी का जो भी नंबर से रह गया उसको लिख दें। तो इस तरह से सारे नंबर्स लिख लिया। अब ये 3 और ये 3 दोनों प्लस है, दोनों के सामने प्लस का साइन है, मतलब यहाँ पे नहीं है फिर भी हमें समझ में आता है कि यहाँ पे प्लस है। 3 दोनों को ऐड कर दे तो ये जगह 6 और ये माइनस हो गया 15/2। अब यहाँ पे सॉल्व करना है, यहाँ पे एलसीएम लेना होगा क्योंकि बीच में माइनस का साइन है। याद रखना प्लस और माइनस का साइन रहने पे एलसीएम लेते हैं और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो एलसीएम नहीं लेते, नंबर को काटते हैं। तो अब इस 6 के नीचे में कोई नंबर नहीं है तो हम ऐसा करते हैं इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर दे और माइनस का 15/2 हम वैसे ही लिख देते हैं। इस 2/2 मल्टीप्लाई करने से फ़ायदा क्या हुआ, इसको देखो 6 और 2 जा 12 हो गया, नीचे में 2 आ गया और माइनस 15/2। इस तरह से ये 2/2 मल्टीप्लाई करने से हमें ये हो गया, दोनों के नीचे 2 आ गया। अब एलसीएम लेना आसान हो गया, 2 एलसीएम आ जाएगा, ये हो गया 12 माइनस 15 और 12 में से 15 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3 और बाई में 2 है ही, ये आंसर हो गया। यहाँ पे एक बात मैं बोलना चाहूँगा, यदि जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आता है उनके लिए एक सिंपल सी बात, यदि दो नंबर हो और दोनों में अलग अलग टाइप का साइन हो, जैसे कि यहाँ पे है 12 के आगे प्लस और 15 के आगे माइनस, तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा दो, मतलब 15 में से 12 को घटा दो तो 3 रह गया और साइन लगेगा जो आंसर में जो नंबर आया है, मतलब यहाँ पे 3 आया है, उसके सामने जो साइन आएगा वो बड़े नंबर का आएगा। इस तरह से आपका सारे टाइप्स का इस तरह से कन्फ्यूजिंग होने वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बड़े नंबर में से छोटे नंबर घटा दो और साइन लगेगा बड़े का। ये बिल्कुल ही अच्छा सा फॉर्मूला है, अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया फोर्थ का। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं फोर्थ का, ये फिर से सिंप्लीफाई है। ये है a² + a+1, ये ब्रैकेट में जो नंबर है उसको इंटू भी बोलते हैं और लास्ट में है लिखा +5 और इसमें वैल्यूज रखना है, पहले a की जगह पे 0, इसके सेकेंड पार्ट में है a की जगह पे 1 लिखना और थर्ड पार्ट में a की जगह पे -1 लिखना। तो पहले जो सिंप्लीफाई करना है उसको हम लिख लें, ये पूरा a इंटू ब्रैकेट में जो भी लिखा था लिख दिया, फिर लास्ट में +5। अब a को मल्टीप्लाई करना है इन तीनों से अलग अलग, तो a से हम a² को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देगा a³, a से a को मल्टीप्लाई करेंगे तो a²। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों जो लेटर है वो सेम टाइप का है इसलिए पावर्स को ऐड कर रहे हैं। a में power 1 था, यहाँ पे power 2 था, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो पावर हो जाएगा 3। यहाँ पे 1 है पावर, यहाँ पे भी 1 है पावर, तो उनको जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 हो गया। यहाँ पे अब देखो a है और 1 है, मतलब 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर में कोई चेंज नहीं आता। आप इस तरह से भी आप समझ सकते हो इसको कि ये प्लस a रह गया और लास्ट का +5, वैसे ही हम लिख देंगे, इसको कोई चेंज नहीं करना, इसमें कोई नंबर से मल्टीप्लाई भी नहीं करना था। तो एक पार्ट का आंसर तो यही बन गया। अब है इसके फर्स्ट केस, जो a की वैल्यू 0 रखना है, तो पुटिंग a = 0 हमें क्या मिलेगा, जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ 0 लिखो और जो भी पावर है वो लिखते चलेंगे। तो a के पावर 3 है, इसका मतलब 0 के पावर 3, प्लस का साइन लगाओ, फिर a का स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर से प्लस का साइन लगाओ, a है तो सिर्फ 0 होगा, फिर प्लस का 5 है। तो ये सब लिखने के बाद अब देखो 0 का पावर कितना भी दे दो वो 0 ही रहेगा, तो इस तरह से ये 0 बन गया, फिर से 0 का पावर 2 है तो वो भी 0 बन गया, ये अकेला 0 है ही और लास्ट में 5 बचा हुआ है, इसको लिख दें। अब 5 में 0 को ऐड करें, ये 3 0 है, तो 0 कितनी भी बार ऐड करोगे तो नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस तरह से ये 5 ही रह गया। देखो इसको गलती से 5000 मत लिख देना, ये 5000 नहीं बनेगा, ये 5 में 0 को लिख जोड़ा है हमने 3 बार, तो 0 एक बार जोड़ो, 2 बार जोड़ो, 5 बार जोड़ो, चाहे कितने भी बार जीरो जोड़ दो, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो इस तरह से आंसर हो गया 5। सेकेंड पार्ट में यहाँ पे a की जगह पे 1 लिखना है, तो लिखते चलो a की जगह पे 1 और जहाँ जहाँ जैसा जैसा पावर है उसको हम वैसे लगाते चलेंगे। तो इस तरह से a के पावर 3 हो गया, प्लस करके a के पावर 2, मैं यहाँ से लिख लिख रहा हूँ, जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ 1 लिखते हैं, पावर वैसे ही है। इसके बाद प्लस का a है, a के लिए 1 लिखते हैं और लास्ट में प्लस का 5, तो 1 का पावर 3, मतलब 1 को 1 से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हो गया 1 × 1 × 1, तो 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करें उसको 1 ही आएगा। प्लस का साइन लगा दो बीच में, फिर 1 का पावर है 2, तो 1 × 1 फिर से 1 बन गया। इसके बाद ये +1 तो है ही,
और लास्ट में प्लस का 5। तो इस तरह से 5 में 1 जोड़े गए थे 6, 6 में 1 जोड़े गए थे 7 और 7 में 1 जोड़े तो ये हो गया 8। ये हमारा आंसर आ गया। इसका थर्ड पार्ट में है, एक ही जगह पे हमें -1 लिखना है, तो लिखें हम यहाँ से भी देख लेंगे तो भी हो जाएगा या वहाँ से देखो। तो ए जहाँ पे लिखा है वहाँ पे -1 लिख दिया, उसका पावर 3 लगा दिया, फिर प्लस का साइन लगा दो, ये ए का स्क्वायर है इसका मतलब -1 का स्क्वायर है, फिर प्लस का साइन लगाओ, ए की जगह पे -1 लिखेंगे और फिर प्लस का 5 हो गया। अब इसको सॉल्व करें, देखिए -1 का पावर 3 है, मतलब 3 बार मल्टीप्लाई होगा -1 × -1 × -1, तो 3 बार माइनस आएगा, तो 2 बार माइनस आता है तो प्लस बन जाता है, और उस प्लस को फिर से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बन जाएगा, और 1 को तो मल्टीप्लाई करते चलो, 1 से तो कितना भी बार करो तो ये 1 ही रहेगा। इसका मतलब -1 का क्यूब -1 देगा, और -1 का स्क्वायर कितना देगा, तो -1 का स्क्वायर का मतलब है -1 × -1, तो 2 बार माइनस रहे तो प्लस बन जाएगा, तो ये हो गया प्लस का 1। और यहाँ पे इस ब्रैकेट में है -1, बाहर में प्लस है, तो प्लस और माइनस के कारण से ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस के बाद 1 लिखेंगे, फिर है प्लस 5। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इन सारे नंबर्स में से जिनके सामने प्लस का साइन है वो आपस में ऐड होगा और जिनके सामने माइनस है उनका दूसरा ग्रुप बनेगा। तो यहाँ पे देख लो, ये प्लस है 5 और प्लस है 1, तो ये दोनों को ऐड करके हमें 6 मिला, और ये -1 और ये -1, ये दोनों ऐड हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे -1 और -1, तो माइनस का साइन लगा दो और इन दोनों 1 को ऐड कर दो, तो ये देगा 2। तो ये सारे नंबर्स का काम हमने कर दिया, हमें मिला क्या 6 − 2, मतलब 6 में से 2 को घटाना है, तो ये हो गया 4, यही हमारा आंसर बन गया। अब है क्वेश्चन नंबर 5, ये पहला पार्ट आ रहा है, ऐड करना है इन सब को, मतलब P, फिर P माइनस Q, फिर Q, Q माइनस R एक ब्रैकेट में एंड R इंटू R माइनस P। तो पहले हम इन सब के बीच में प्लस का साइन लगाएं और एक एक करके मल्टीप्लाई करें, फिर ऐड करेंगे, मतलब ब्रैकेट को खोलो, तो ये P इंटू P, P स्क्वायर, फिर माइनस का साइन आएगा क्योंकि ये P है प्लस में, तो P इंटू Q क्या बनेगा, ये पी क्यू, फिर प्लस का साइन आएगा, फिर ये क्यू स्क्वायर बन जाएगा, फिर है माइनस क्यू आर, फिर है प्लस का ये आर इंटू आर, आर स्क्वायर हो गया, फिर है माइनस पी आर, चाहे आर पी लिखो, पी आर लिखते तो भी होता, आर पी लिखते तो भी होगा। तो अब हमें ब्रैकेट खुल गया है और इसको रीअरेंज करना है, यहाँ पे भी आंसर लिख दोगे तो भी चलेगा, लेकिन हम क्या करते हैं स्क्वायर वाले नंबर्स को आगे आगे लिख देते हैं। तो पहले P का स्क्वायर लिखे, फिर Q का स्क्वायर, प्लस R स्क्वायर, और फिर माइनस वाला एक एक करके लिखते चले, PQ, फिर QR, और फिर RP लिखो चाहे PR लिखो, एक ही बात है, ये हमारा आंसर हो गया। अब सेकेंड पार्ट इसका, सेकेंड में है ऐड करना है इन दोनों को, तो ये 2x है और ये z माइनस एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में इधर, और फिर एंड करके इधर, तो इन दोनों को बीच में हम प्लस लगा देते हैं, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। ब्रैकेट खोल दे, तो 2x को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xz, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर ये 2x को x से मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब 2x स्क्वायर हो गया, फिर 2x को y से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -2xy, अब प्लस का साइन लगाए और इधर 2y को z से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 2yz, फिर ये 2y प्लस में है और माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2y स्क्वायर, फिर 2y को माइनस x से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा माइनस का 2xy। इस तरह से अपना काम हो गया। अब देखते हैं कि कोई लाइक टर्म्स है क्या, लाइक टर्म्स का मतलब लेटर्स पूरा का पूरा उसके साथ सेम टाइप का है क्या, तो ये 2xy और ये 2xy एक तरह का है और दोनों के साथ माइनस है, ध्यान रखना दोनों में माइनस है तो उनको ऐड करेंगे, यदि एक प्लस और एक माइनस रहता तो काट देते हैं उसको, तो अभी फिलहाल दोनों में माइनस है तो हमें उनको ऐड करना होगा, तो शुरू के जो नंबर्स है दो वो हमने वैसे ही लिख दिया और इनको ऐड कर रहे हैं 2xy और 2xy को, तो ये हो गया 4xy, और बाद की जो नंबर है उनको हम ऐसे लिखते चलेंगे। और इस तरह से हमारा आंसर यहाँ पे भी बन सकता है, लेकिन उसको रीअरेंज कर दो, एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को पहले लिख दो तो इसके सामने में माइनस है तो ये पहले आ जाएगा, फिर आएगा आपका ये वाई स्क्वायर वाला टर्म, फिर ये एक्स वाई वाला, और फिर ये वाई जेड वाला, और लास्ट में एक्स जेड वाला चाहे जेड एक्स वाला, और ये हमारा आंसर आ गया। इसके थर्ड पार्ट में है सब्ट्रैक्ट करना है
इधर ये 3L और ब्रैकेट के अंदर है L माइनस 4M प्लस 5N, उसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम इधर 4L, ब्रैकेट के अंदर है 10N माइनस 3M प्लस 2L। तो फ्रॉम वाले को हम पहले लिखे, मतलब इसको माइनस करना है इससे, तो ये पहले लिखा जाएगा और माइनस का साइन लगा के ये वाला टर्म लिखेंगे। अब इनको पहले ब्रैकेट खोल दें, तो ब्रैकेट खोलते वक्त मल्टीप्लिकेशन का रूल का फॉलो करना, ये बात ध्यान में रहना चाहिए। तो ये हो जाएगा 4 × 10, तो 40 के बाद लेटर्स देखें कि कौन कौन सा है, तो L है और N है, तो LN हो जाएगा, फिर है माइनस का साइन और 4 × 3 12 हो गया, LM आ जाएगा, फिर है प्लस का साइन, ये 4 × 2 8 और LL दोनों जगह, तो L स्क्वायर। अब इसको ओपन करना पड़ेगा ब्रैकेट, तो आगे है माइनस का साइन, तो माइनस वाले साइन क्या करेगा, अंदर वाले साइन को चेंज कर देगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन जब माइनस से होता है तो प्लस रहे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रख करके यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 3L स्क्वायर, फिर ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, 4 × 12 LM, फिर माइनस 15 LN। अब लाइक टर्म्स को देखें एक बार, तो LM यहाँ पे है माइनस वाला 12 LM और ये प्लस वाला 12 LM, तो ये कट गया, और कोई कटने वाला है क्या, कटने वाला तो नहीं है, लेकिन इसमें LN है, इसमें LN है, और इसके साथ L स्क्वायर है, इसके साथ भी L स्क्वायर है, तो उनको एक बार हम देख ले कि कौन कौन सा है। तो 40 LN और प्लस का 8 L स्क्वायर और ये माइनस का 3 L स्क्वायर माइनस का 15 LN, ये हमारा बचा हुआ टर्म रह गया, और इनको एक बार सॉल्व कर दे, तो 8L स्क्वायर में से 3L स्क्वायर माइनस करना है, तो 5L स्क्वायर हो गया, मतलब 8 में से 3 को माइनस किया तो 5, और L स्क्वायर उसके पीछे लिख दिया। अब 40 LN माइनस 15 LN, मतलब 40 में से 15 को घटाओ तो ये 25 रहेगा, और प्लस का 25 रहेगा क्योंकि प्लस वाला ये 40 ज़्यादा है, तो LN रह गया, और यही हमारा आंसर आ गया। अब इसका फोर्थ पार्ट है सब्ट्रैक्ट, ये देखो इतना सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम ये, तो ये पीछे का जो टर्म है वो हम पहले लिखेंगे और माइनस का साइन लगा करके ये पूरा ही लिखना होगा, तो इनके साथ पहले से ही एक ब्रैकेट है, इसलिए हम पहले से एक ब्रैकेट और लगा लें और इसको बंद कर दें, ताकि ये पूरा का पूरा टर्म एक ब्रैकेट के अंदर आ गया। अब इनको पहले तो मल्टीप्लिकेशन करके इनको ओपन करें, फिर लाइक टर्म्स पता करेंगे। तो इसमें से देखते चलो, ये 4C को A से मल्टीप्लाई किया तो 4AC हो गया, फिर प्लस और माइनस का साइन ध्यान में रखते चलना, 4C और B है तो ये 4BC हो जाएगा, 4C और C है तो ये 4C स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे एक ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट है, मतलब इस टर्म को, तो पहले ऐसे करते हैं, इस बड़ी वाला ब्रैकेट को जो हमने अपनी तरफ से लगाया है उसको ऐसे रहने दे, और अंदर वाले टर्म को एक बारी सॉल्व कर ले, तो 3A और A, 3A स्क्वायर हो गया, प्लस का साइन लगाओ 3A × B, तो 3AB, फिर से प्लस का साइन लगाओ और 3A × C, तो 3AC, यहाँ पे माइनस 2B है और A है, उनको मल्टीप्लाई करके माइनस 2AB, माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस देगा, और 2B को B से करेंगे तो 2B स्क्वायर, और माइनस और ये प्लस, तो माइनस और 2B × C, तो 2BC, यहाँ पे इसको बंद करो, और अब इस माइनस से इन सब को मल्टीप्लाई करते चलेंगे, तो एक एक करते सारे टर्म्स लिखते चलें, और जब ब्रैकेट आ जाएगा ये वाला, तो उसके बाद साइन चेंज करना शुरू कर देंगे, तो माइनस 3 स्क्वायर, माइनस 3AB, फिर माइनस 3AC, फिर प्लस 2AB, तो 2B स्क्वायर पहले से प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे, और ये माइनस 2BC है तो इसको प्लस कर देंगे। तो इस तरह से पूरा ही ब्रैकेट खुल गया। अब लाइक टर्म्स पता कर लो और उनको साथ साथ लिख दो, तो 3A स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं आएगा क्योंकि ये अकेला है, A स्क्वायर लिया हुआ, 3B स्क्वायर भी ऐसे ही रह जाएगा, और ये C स्क्वायर 4 वाला वो भी ऐसे ही रह गया। अब AB वाले टर्म्स को देखो, यहाँ पे है माइनस 3AB, ये है प्लस 2AB, तो ये माइनस वाला ज़्यादा है इसलिए माइनस का 1AB आएगा, वो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब रहेगा BC वाला, तो देखो ये BC 4BC है और यहाँ पे 2BC है, तो ये दोनों मिलकर के 6BC हो गया। और AC वाला कहाँ कहाँ है पहले वो देख लो, ये माइनस 4AC है और यहाँ पे माइनस 3AC है, तो ये दोनों माइनस है, मतलब दोनों ऐड हो जाएगा, तो 7AC रह गया, और यही हमारा आंसर हो रह गया। इस तरह से ये फोर्थ का क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
क्वेश्चन नंबर 5 में चार ही पार्ट था, चारों ही सॉल्व कर दिया। इस तरह से एक्सरसाइज 9.3 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया।